द्वारिका जिसकी जय, उजड़ा की जय, उन कृष्ण कन्हैया लाल की जय, उन सांवरिया सेठ की जय, उन चार भुजा आयोजन नरेश चंद जोशी मैजिक मैन पटल का आयोजन था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस टीम ने ख्याति अर्जित की है और मुझे सौभाग्य मिला कि इस आयोजन का मैं प्रमुख संयोजक रहा। मेरे साथ में मेरे परम प्रिय अनुज मित्र विनोद जी सनाड ने इस आयोजन की का काफ़ी भार स्वयं ने उठाया। महाकालेश्वर की पूरी टीम इस आयोजन की संपन्नता में वैभव बढ़ाने में यहाँ उपस्थित रही। नरेश चंद जोशी मैजिक मैन के पटल से जिन महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काव्य पाठ किया उन्हें पटल के द्वारा सम्मानित किया गया, पटल के द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र दिए गए और इस मंच पर आज के समारोह की अध्यक्षता हमारे उदयपुर के बहुत अच्छे खिलाड़ी गजल गायक गीतकार प्रेम जी भंडारी थे। मुख्य अतिथि आदरणीय विद्या जी पालीवाल जो समर्थ एक साहित्यकार है, एक श्रेष्ठ रचनाकार हैं, उन्होंने मुख्य अतिथि का भार स्वीकार किया और मंच पर आसीन प्रख्यात संस्कृत के और हिंदी के विद्वान नैयर साहब थे। नरेश चंद जी जोशी स्वयं मंच पर उपस्थित रहे। इनके साथ ही उदयपुर शहर के कवि साहित्यकार सब यहाँ पर उपस्थित रहे, सभी का सम्मान किया गया, सभी को पटल की ओर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र ट्रॉफियाँ प्रदान की गई। नरेश जी ने आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम का सफल संचालन रेणु श्रीवास्तव कोटा ने किया। सुनीता निमित सिंह वो एक उद्घोषिका के रूप में संचालिका रही। नाथ द्वारा कांकरोली और उदयपुर सभी क्षेत्र के हिंदी के साहित्यकार इस मंच पर उपस्थित रहे। विनोद जी सनाडी की एक टीम पूरी जो महाकालेश्वर की है, जो हमेशा फतेह सागर की पाल पर जो तैरते हैं और जो साहित्यिक सांस्कृतिक और तैराकी में अभिरुचि रखते हैं, वे समस्त मित्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और उन्होंने सभी आने वाले अतिथियों का आभार व्यक्त किया, उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और महाकालेश्वर का प्रसाद भोजन सबने प्राप्त करके और फिर इस समारोह को जो कि नरेश चंद जोशी मैजिक मैन पटल की ओर से उदयपुर के महाकालेश्वर मंदिर में रखा गया था, इस कार्यक्रम को विराम की ओर बढ़ाया गया। मैं कवि गिरीश विद्रोही उदयपुर के आज इन तमाम कवि साहित्यकार भाइयों बहनों नाथ द्वारा उदयपुर से समर्थ जो रचनाकार यहाँ उपस्थित रहे उन सबको देखकर अभिभूत हूँ कि महाकालेश्वर की कृपा हुई कि बरसों बाद अलग अलग ग्रुप में अलग अलग आयोजन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमारे विनोद जी का मन और महाकालेश्वर की कृपा के आज सभी ग्रुप के सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर एक अभूतपूर्व आयोजन महाकालेश्वर के आंगन में हुआ। हमारे प्रकाश नागौरी और कई उन्होंने प्रकाश जी ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शादी का समारोह, इतना भव्य आयोजन और भोजन प्रसादी के साथ इस आयोजन की भव्यता को हम सभी नतमस्तक करते हैं और वाकई मानते हैं कि ये महाकालेश्वर की अभूतपूर्व मूर्ति है। विनोद जी एक मिनट पधारें। विनोद, हाँ, ये महाकालेश्वर की अभूतपूर्व मूर्ति है। हमारे विनोद जी का एक ही कहना कि जबकि इस आयोजन के प्रमुख सूत्रधारों में हमारे विनोद भाई हैं, लेकिन ये कहते हैं कि सूत्रधार हमारा एक ही है गिरीश जी इस आयोजन का, और वो सूत्रधार है हमारे महाकालेश्वर। इस आयोजन में जितने भाई बहन कवि सब पधारे, महाकालेश्वर की टीम ने अलग से मंदिर की ओर से उनको प्रमाण पत्र अर्पित करके उनका अभिनंदन किया गया, जिसमें दादी साहब चंद्रशेखर जी दादी और महाकालेश्वर की पूरी टीम उपस्थित रही। मंच पर हमारे प्रेम जी भंडारी साहब एक बहुत अच्छे गजलकार गीतकार वॉलीबॉल के खिलाड़ी वो अध्यक्ष रहे। मुख्य अतिथि पुनः मैं बताऊं विद्या जी पालीवाल थी, एक संस्कृत और हिंदी के प्रख्यात स्वयं कवि रचनाकार श्रीमान नैयर साहब अय्यर साहब
इस मंच पर उपस्थित थे और नरेश जोशी और नीता जी उनकी पत्नी दोनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और एक खुशबूदार आयोजन झीलों की नगरी में हुआ जो महाकालेश्वर की कृपा से हुआ और मेरे अजीत श्री विनोद जी सनाटी की जिसमें पूरी महत्वपूर्ण भूमिका रही, मैं हृदय से उनका और उनकी टीम का आभार व्यक्त दिया गया। क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं और क्या है इनका? बहुत अच्छा सवाल, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये आपने जो प्रश्न किया है कि इसका क्या उद्देश्य है, एक अहिंदी भाषी प्रदेश का आदमी, धूलिया महाराष्ट्र का आदमी जो मराठी बोलता है, जिसका दूर दूर तक जिसके परिवार में हिंदी का कोई लेना देना नहीं है, उस मराठी आदमी ने अपने जीवन में एक ही लक्ष्य बनाया कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक भाषाएं के माध्यम को बनाते हुए हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में अपनी भूमिका अदा करनी है। इसके लिए पूरे पटल की टीम यहाँ उपस्थित रही और महाकालेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। आप क्या कहना चाहेंगे हिंदी के बारे में, जो आज देश में अलग अलग भाषाएं बोली जो करीब 6000 भाषाएं जो है हिंदुस्तान में बोली जाती हिंदी है। हिंदी के लिए मुझे यही कहना है कि जब तक राजनीति अपने मनस्थिति और मनोविज्ञान से सिर्फ वोटों की राजनीति में विभिन्न लोक भाषाओं को प्रांतों में बांटने के साथ अगर विभिन्न प्रांतों में हिंदी प्रभावी रूप से नहीं करेगी, तब तक हिंदी को अभी बहुत संघर्ष करना। हिंदी फिल्मों तक, फिल्मी गीत के माध्यम से पूरी दुनिया में फैल गई है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन मैं आपको बहुत शर्मिंदा होते हुए हिंदी का एक कवि होने के नाते एक बात बता रहा हूँ, मैं बंगाल में जाता हूँ तो मुझे वहाँ हिंदी नहीं मिलती है, मैं गुजरात में जाता हूँ हिंदी नहीं मिलती है, पंजाब में जाता हूँ हिंदी में नहीं मिलती है, असमिया, उड़िया, तमिल, तेलुगु, ये जितनी लोक भाषाएं हैं इनके बीच में हिंदी बड़ी व्यथित है। उसी तरह जिस तरह भारत में लोकतंत्र की इस राजनीति में इन नेताओं के बीच में जिस तरह से अपने अश्रु बहा रही है, उसी तरह से हिंदी संपूर्ण भारत के हिंदी भाषी लोगों में और हिंदी के लोक भाषा के बेटों की ओर कातर दृष्टि से भीगी हुई पलकों से निहार रही है कि पुत्रों उठो और हमारी हिंदी को मजबूत, मुझे मजबूत करो, मुझे इसलिए मजबूत करो कि मैं संपूर्ण भारत को मुट्ठी में एक करने की ताकत रखती हूँ। हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी हिंदी के प्रति आपने बात रखी है, इंतजार कर रही है। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम संपन्न हो गया है एंड चंद्रा मैजिक मैन पटेल का सुंदर कार्यक्रम था और विश्व क्रांतिमान पटेल पर विधित सफलता आयोजन सम्मान समारोह आज संपन्न हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों का, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। जी सर, एन चंद्रा मैजिक पटेल के जो आज सम्मान समारोह हुआ वो जान के बहुत प्रसन्नता हुई कि उन्होंने विश्व कीर्तिमान बनाया है अनवरत मैराथन कविता पाठ के जरिए, मेवाड़ के कवियों ने भी इसमें योगदान दिया है और एक बहुत सभी प्रयास है इसमें। हिंदी के लिए बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम भी हो रहे हैं, लेकिन हिंदी कविता के लिए इस तरह का एक अनवरत चलने वाला आयोजन जिसने विश्व कीर्तिमान बनाया है ये एक स्तुति है और साधुवाद के पात्र हैं एन जोशी जी और ये इनका पूरा ग्रुप, पूरा पटल, मैं उनको बधाई देता हूँ, पूरी टीम को शुभकामनाएं।